अस्सलामु अलैकुम। जैसे आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लरिकल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म सबमिट करने की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है और इस बार भी नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन के फॉर्म सबमिट करने के लिए तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, सेक्रेटरीट असिस्टेंट कोर्स सैक एग्जामिनेशन, ये उन सीनियर असिस्टेंट्स के लिए है जिन्होंने 4/2021 से पहले ट्रेनिंग की है और उन्हें 4 ही पेपर्स में अपीयर होना है और उनके पेपर्स ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आएंगे। दूसरा, फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन, ये उन जूनियर असिस्टेंट्स के लिए हैं जिन्होंने 4/2021 से पहले ट्रेनिंग की है, उन्हें 6 पेपर्स में अपीयर होना है लेकिन एज पर ओल्ड सिलेबस। तीसरा, J&K सेक्रेटरीट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स जो कि नोटिफाई हुआ वाइट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 318 JK GAD ऑफ 2021 डेटेड 8/4/2021। इसके अंडर जूनियर असिस्टेंट्स और सीनियर असिस्टेंट्स के जो अलग अलग एग्जाम्स होते थे उसको क्लब करके एक ही एग्जाम बना दिया गया, एक ही सिलेबस दोनों के लिए इशू किया गया और एक ही ट्रेनिंग कोर्स दोनों के लिए रखा गया। तो जो भी जूनियर असिस्टेंट्स और सीनियर असिस्टेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4/2021 के बाद ट्रेनिंग की है तो उनको अपने फॉर्म्स की ऑप्शन जो है उसमें देनी है सेक्रेटरीट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स एज पर रिवाइज्ड सिलेबस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 318। ठीक है, तो ये हुए तीन ऑप्शंस जिसके अंडर आपको अपने फॉर्म्स सबमिट करने हैं। तो जैसे आपको पता है कि रिवाइज्ड सिलेबस तो 2021 में इशू हुआ और इसके अंडर चाहे जूनियर असिस्टेंट्स हो या सीनियर असिस्टेंट्स हो दोनों को 6 के 6 पेपर्स जो है क्वालिफाई करने हैं और इस एग्जामिनेशन का इस रिवाइज्ड सिलेबस के अंडर जो एग्जामिनेशन हुआ उसका पहला बैच, उसका पहला एग्जामिनेशन कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तो 2022 में जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स न्यू सिलेबस के हिसाब से पहला एग्जाम हुआ उसके जो पेपर्स है वो हम आज आपके सामने लाए हैं सो दैट जिनको भी अब एग्जाम देना है एज पर न्यू सिलेबस उनको थोड़ा आइडिया आए कि किस तरीके से न्यू रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से पेपर्स आते हैं। जो ओल्ड है उनके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत ही बड़ी लेक्चर सीरीज की थी जिसमें मैंने सारे के सारे पेपर्स ऑलमोस्ट 10-10 सालों के डिस्कस किए हुए हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे हैं, वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए हैं। तो न्यू सिलेबस वालों के लिए जो है आज पहला जो है पेपर डिस्कशन का एक लेक्चर रहेगा जिसमें वो देखेंगे कि किस हिसाब से रिवाइज्ड सिलेबस में पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर वन, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था रिवाइज्ड यानी न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर 1 में, डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशंस इन द डीलिंग सेक्शन इन लाइट ऑफ J&K मैनुअल ऑफ सेक्रेटरीट प्रोसीजर। किस तरीके से कम्युनिकेशंस का डिस्पोजल किया जाता है, क्या उसके लिए प्रोसीजर दिया गया है J&K मैनुअल ऑफ सेक्रेटरीट प्रोसीजर में, वो आपको बताना है कि क्या हायरार्की है, कहाँ पे डाक रिसीव होता है, किस तरीके से वो मार्क होता है, किस तरीके से उस पे जो है वर्क इनिशिएट होती है, किस तरीके से उसका डिस्पोजल होता है, वो आपको देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डेमी ऑफिशियल लेटर एंड ऑफिस मेमोरेंडम, सर्क्यूलर एंड लेटर। ये आपके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें आती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें ऑलरेडी आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हमें दो डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें हमें डिफरेंसेस बतानी है, डेमी ऑफिशियल लेटर एंड ऑफिस मेमोरेंडम, सर्क्यूलर एंड लेटर, इनमें आपको डिफरेंसेस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन एज पर J&K मैनुअल ऑफ सेक्रेटरीट प्रोसीजर।
तो जैसे हमें पता है कि जे एंड के मैनुअल ऑफ सेक्रेट प्रोसीजर में डिफरेंट सेक्शंस जो कि एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी फंक्शंस बताई गई है, तो यहाँ आपको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की जो फंक्शन है वो पूछी गई है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रूल गवर्निंग मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन लाइट ऑफ जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971. जो कंडक्ट रूल्स हैं 1971, उसमें मूवेबल इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या रूल्स हमें दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं. ठीक है, कि किस तरीके से हमें खरीदना है, किस तरीके से हमें डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरीके से हमें जो है अपनी प्रॉपर्टी को जो अगर हमें बेचनी है, खरीदनी है या गिफ्ट देनी है, किस तरीके से हमें उसमें प्रोसीड करना है वो आपको यहाँ पे बताना है. और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या है, या हमारी ज्वेलरी आती है, हमारा कैश आता है, वैल्यूएबल्स में हमारी ज्वेलरी और कैश आता है, या हमारे शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या हमें रूल्स दिए गए हैं कंडक्ट रूल्स में वो आपको बताने हैं. क्वेश्चन 5, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एज पर जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971. यानी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयत होती है विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, यानी कि मीडिया के रिगार्डिंग. चाहे आजकल हम देखते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप वगैरह है, या बाकी न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग है, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, उनके रिगार्डिंग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आयद की गई है वो आपको यहाँ पे बतानी है, जो कि कंडक्ट रूल्स में दी गई है. क्वेश्चन 6, डिफाइन कैडर कैटेगरी एंड क्लास ऑफ सर्विस एज पर जे एंड के सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1956. हाउ इज ए कैडर ऑफ ए सर्विस डिटर्मिंड, हाउ आर फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स मेड टू एनी सर्विस. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 3 पार्ट्स है. हमें पहले डिफाइन करना है कैडर क्या है, कैटेगरी क्या है, क्लास क्या है, किस हिसाब से, जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स में दिए गए हैं डेफिनेशंस, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको कैडर कैटेगरी और क्लास की डेफिनेशन देनी है. ठीक है, तो आप खुद की अपनी नहीं बना सकते हैं, किसी और रूलिंग की नहीं दे सकते हैं. आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल के हिसाब से देनी है, तो वहाँ पे जो डेफिनेशंस दी गई है कैडर कैटेगरी और क्लास की, वही आपको यहाँ पे देनी है. ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि एक सर्विस का कैडर किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है, और जब एक सर्विस में अपॉइंटमेंट होती है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है, पहली बार अपॉइंटमेंट होती है, तो वो किस तरीके से होती है. ठीक है, वो आपको बताना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड अपॉन मेंबर्स ऑफ ए सर्विस अंडर जे एंड के सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956. एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे कौन कौन सी पेनल्टीज आयद हो सकती है वो आपको बतानी है एज पर जे एंड के CCA रूल्स. यहाँ हमें पता है माइनर पेनल्टीज, मेजर पेनल्टीज, दो टाइप्स की पेनल्टीज होती हैं. फिर माइनर पेनल्टीज में भी अलग अलग जो है नंबरिंग है पेनल्टीज की, पहली, दूसरी, तीसरी, 4-5 पेनल्टीज उसमें है. इसी तरीके से मेजर पेनल्टीज में 3-4 पेनल्टीज है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है कि दो टाइप्स की पेनल्टीज होती है, मेजर और माइनर. फिर आप लिखेंगे मेजर में कौन कौन सी पेनल्टी आती है और माइनर में कौन कौन सी पेनल्टी आती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर फर्स्ट, जिसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं और 7 में से आपको 5 करने हैं. पेपर 2, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन. पेपर 2 जो हमारा है, इसमें भी हमें दिए गए थे कि 5 क्वेश्चंस कर किए जाए आउट ऑफ 7. पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट ऑफ चेंजिंग और इंटरप्रेटिंग रूल्स अंडर जे एंड के सिविल सर्विस रेगुलेशंस. क्वेश्चन पूछता है कि किस के पास हक है, क्या हकूक है, जिनके थ्रू जो भी रूल्स CSR में दिए गए हैं उन्हें हम चेंज करें या इंटरप्रेट करें. ठीक है, क्वेश्चन 2, डिफाइन द फॉलोइंग. डेफिनेशन देनी है एज पर CSR आपको, एब्सेंटी, कंट्रोलिंग ऑफिसर, फैमिली और लीन. ठीक है, ये जो डेफिनेशंस है ये आपको एग्जैक्टली वही देनी है जो CSR में दी गई है. ठीक है, तो आप किसी और जगह की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, आपको CSR का पेपर है तो जो CSR में दी गई है डेफिनेशंस वही आपको यहाँ पे देनी है, एब्सेंटी के लिए भी, कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए भी, फैमिली के लिए भी और लीन के लिए भी.
Question number 3. What is the procedure for recording of date of birth in the record of service and what are rules for alteration of date of birth once recorded? तो क्या procedure दिया गया है CSR में कि जिसके through service records में date of birth को record किया जाता है और अगर किसी का date of birth change करना है सर्विस रिकॉर्ड्स में तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है. तो हमें पता है कि सर्विस रिकॉर्ड्स में सर्विस बुक में जो है रिकॉर्ड किया जाता है सर्विस रिकॉर्ड वही होता है आपका सर्विस बुक, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है डेट ऑफ बर्थ आपका एज पर द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो या चाहे वो स्कूल लीविंग हो या चाहे वो मेडिकल बोर्ड से आपको दी गई हो एज द केस मे बी, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो है एंटर किया जाता है. और अगर अल्टरेशन करनी हो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन होती है सर्टिफिकेट्स वगैरह की, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लाना पड़ता है. तो ये आपका हो गया कि किस तरीके से प्रोसीजर है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट सेट टू ऑफिशिएट इन अ पोस्ट, हाउ इज ऑफिशिएटिंग अलाउंस गवर्नड अंडर रूल्स. कब एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में बोला जाता है कि ये ऑफिशिएट कर रहा है किसी पोस्ट पे, और किस तरीके से ऑफिशिएटिंग अलाउंस जो है वो दिए जाते हैं अंडर रूल्स. तो ये क्वेश्चन है आपका. यहाँ पे आप देंगे कि ऑफिशिएटिंग अलाउंस क्या होते हैं, कब दिए जाते हैं और किस तरीके से दिए जाते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मेंट बाय रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड हाउ इज इट मेंटेन्ड. सर्विस का रिकॉर्ड क्या होता है और इसे किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, इसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्लियर कर दूं, इसे सर्विस बुक के थ्रू जो है मेंटेन किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज कम्यूटेड लीव, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ कम्यूटेड लीव एज पर द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1979. कम्यूटेड लीव क्या होती है, किस तरीके से किन कंडीशंस पे दी जाती है. कम्यूटेड लीव यहाँ मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, एक टाइप की हाफ पे लीव है जो हम फुल पे पे देते हैं, ये मेडिकल ग्राउंड्स पे या स्टडीज के लिए दी जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द रूल्स इनवोक फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज अंडर J&K सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस एंड अलाउंस रूल्स 1990. हमें पूछा गया है कि क्या रूल्स है जो कि हम खर्चा करते हैं ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज, उसको रिम्बर्स करने के लिए. यानी कि अगर एक बंदे ने, एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने खुद पे या अपनी फैमिली मेंबर पे जो कि सफ़र कर रहा था लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से, उस पे खर्चा किया, उसकी ट्रीटमेंट पे खर्चा किया, तो किस तरीके से वहाँ पे रूल्स जो है वो गवर्न होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें होती है, या तो हॉस्पिटलाइजेशन है या तो आपका फॉलोअप होता है, दोनों सूरतों में आपको जो है गवर्नमेंट रिम्बर्स करती ही करती है. ठीक है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो तो वो भी सारा रिम्बर्स होता है, और अगर आपके जो है फॉलोअप हो वो भी रिम्बर्स होता है, बशर्ते ये कि हॉस्पिटलाइजेशन में या फॉलो अप में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ना आ रहे हों, गोल्डन कार्ड के अंडर ना आ रहे हों. ठीक है, उसके बाद पेपर 3, इसमें भी आपको पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि आपको 7 क्वेश्चंस में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं. पेपर 3 यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017. पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द विड्रॉवल्स फ्रॉम द GP फंड रेगुलेटेड अंडर जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विस रूल्स 1960. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि GP फंड जो है किस तरीके से उसकी विड्रॉवल्स होती है. विड्रॉवल क्या होता है, विड्रॉवल मींस नॉन रिफंडेबल. हमें पता था GP फंड के दो टाइप्स होते थे, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल. तो जब हमारा स्टेट का यहाँ पे GP फंड रूल्स थे तो तब हम बोलते थे रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल. अब क्योंकि सेंट्रल सर्विस रूल्स है तो जो रिफंडेबल है उसे हम एडवांस कहते हैं और जो नॉन रिफंडेबल है उसे हम विड्रॉवल कहते हैं. ठीक है, तो आपको विड्रॉवल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. क्वेश्चन 2, डिफाइन द फॉलोइंग एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017. अप्रोप्रिएशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इन दोनों की आपको डेफिनेशन देनी है एज पर GFR 2017. ठीक,
Question 3. What is the procedure for communication of sanction under General Financial Rules 2017? किस तरीके से sanctions को communicate किया जाता है, उसके लिए क्या procedures है कि किसी जो भी sanctions होती है आपके पास, उनको किस तरीके से communicate किया जाता है, उसका क्या procedure है General Financial Rule 2017 में? ये मैंने बड़े एक विस्तार तरीके से पढ़ाया है, एक्सप्लेन तरीके से मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 की जो लेक्चर सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉलोइंग एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स. जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के तहत आप जी PFMS और DBT को आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है. ठीक, ये भी मैंने अपने रूलिंग्स में सॉरी अपने वीडियोस में कवर कर रखा है, PFMS भी और DBT भी. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स एज पर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017. किस तरीके से वर्क्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है 2017 के GFR में, वो आपको बताना है. ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में कवर कर रखा है, आप वहां से इसको आराम से पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एडिशंस टू एस्टैब्लिशमेंट एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017. किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट में एडिशंस की जाती है, क्या प्रोसीजर बताया गया है जनरल फाइनेंशियल रूल में रिगार्डिंग एडिशंस टू एस्टैब्लिशमेंट, ये आपको बताना है. ये भी मैंने कवर कर रखा है, आप जाइए मेरे जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स कि जो लेक्चर्स है 17-18 लेक्चर्स है उनमें ये सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. बड़े ही आसान तरीके से मैंने वहाँ पे समझाए हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने वहाँ पे इनको जो है पेश किया है. क्वेश्चन नंबर 7. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, रिफंड ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, परमानेंट एडवांस. ठीक है, नाउ पेपर 4 यानी बजट आपका. यहाँ पे भी हमें 5 ही क्वेश्चंस करने हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को डिफाइन करना है, बजट नोट को डिफाइन करना है, डिमांड फॉर ग्रांट्स को डिफाइन करना है, फिस्कल इंडिकेटर्स को डिफाइन करना है. ठीक है, पहले ही बता देती हूँ, बजट के पेपर को मैंने 2 बार जो है कवर किया है. पहला तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है और रिवाइज्ड बजट जो है वो भी मैंने पूरा का पूरा अपनी लेक्चर्स में अपनी चैनल पे कवर कर रखा है. तो ये सारा आपको वहाँ से, चाहे GFR हो चाहे बजट हो, ये सब आपको मेरी चैनल से मिलेगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बैलेंसिंग ए बजट, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अराइव एट अ जीरो डेफिसिट बजट. बैलेंसिंग ए बजट क्या होता है और किस तरीके से जीरो डेफिसिट बजट पे हम पहुंच सकते हैं. क्वेश्चन 3. ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बजट. किस तरीके से बजट प्रिपेयर किया जाता है, प्रोसीजर क्या है बजट प्रिपरेशन का, वो आपको बताना है कि इनिशिएट कैसे होता है ग्रॉस रूट लेवल ऑफिसर से और फाइनली किस तरीके से इसको कंसोलिडेट किया जाता है HOD लेवल पे, फिर कब इसको जो है एडम डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है, फिर कब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है और फिर फाइनली जो है लेजिस्लेचर में इसे पेश किया जाता है. क्वेश्चन 4. व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू. कौन सी कैटेगरीज है रेवेन्यू की गवर्नमेंट के पास और क्या क्या प्रिंसिपल्स है कि जिनके थ्रू हम रेवेन्यू को एस्टिमेट करें. आपके पास टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, तो आपके पास कैपिटल रेवेन्यू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको जो है क्या क्या कैटेगरीज वहाँ पे देनी है. ये भी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने लेक्चर्स में कि वेरियस कैटेगरीज ऑफ रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है आपका. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5. व्हाट आर द गाइडिंग फैक्टर्स फॉर डिटरमिनिंग वेदर एक्सपेंडिचर इज ऑन ए न्यू सर्विस और नॉट. किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या ये न्यू सर्विस पे हो रहा है या नहीं. तो आपको पता ही है न्यू सर्विस क्या है, उसके लिए जो है क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें देखनी है कि हम एक सर्विस को कैटेगराइज करें कि ये न्यू है या नहीं, तो ये भी आपको लेक्चर से मेरे मिल जाएगा आराम से. क्वेश्चन 6. What do you understand by fiscal responsibility? What impact does it have on consolidation of the budget? Fiscal responsibility क्या है और इसका क्या impact होता है consolidation of budget पे. Question 7. Differentiate between money bill and finance bill, budget estimates and revised estimates. काफ़ी important question है, हमेशा आता रहता है.
आपको बताना है मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है, बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारा का सारा मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अभी उतना नहीं टाइम है कि मैं सारे पेपर्स का हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करती जाऊँ, थोड़ा थोड़ा हिंट में साथ साथ दे रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है। पेपर 5 जो कि आपका कंप्यूटर्स है, यहाँ पे भी हमें 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ई ऑफिस सिस्टम, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई ऑफिस सिस्टम क्या है, इसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विद एग्जांपल्स, ड्रॉ द बेसिक आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज इन कंप्यूटर्स, गिव एग्जांपल्स। काफी आसान सा है। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, व्हाट इज एमएस एक्सेल यूज्ड फॉर, व्हाट आर सेल्स, व्हाट आर शीट्स इन एमएस एक्सेल, व्हाट आर द शीट्स इन एमएस एक्सेल यूज्ड फॉर। एक्सेल क्या है, सेल्स क्या होती है उसमें, शीट्स क्या होते हैं, शीट्स किस लिए काम आते हैं। ठीक। पार्ट बी, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 5 पार्ट ए, व्हाट इज लैन, व्हाट इज मैन, हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम लैन। LAN क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मीडियम एरिया नेटवर्क, ये दोनों क्या चीज़ें और किस तरीके से एक दूसरे से ये डिफरेंस क्या है LAN और MAN में, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है दूसरा पार्ट है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ ए न्यू यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड इन Windows 10। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और किस तरीके से न्यू यूजर अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, वो आपको बताना है Windows 10 में। क्वेश्चन 6 पार्ट 1, व्हाट इज अ वायरस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, व्हाट आर एंटीवायरसेस। ठीक। पार्ट बी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन, आपको बताने हैं। काफ़ी आसान सा पेपर है और कंप्यूटर्स वैसे भी सबको पता ही होता है, हम इसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा टफ ये लगता नहीं है। क्वेश्चन 7 पहला पार्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल क्या होता है, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। व्हाट इज वाईफाई, गिव 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको 5 ही करने हैं। पेपर 6 यानी लास्ट पेपर, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द यूटी ऑफ J&K एंड व्हाट रोल डू दे प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ द यूटी। क्या क्या हैंडीक्राफ्ट्स पाए जाते हैं यूटी में और क्या रोल वो प्ले करते हैं हमारी यूटी की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमें पता है RTA में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी आपको अप्रोच करता है उसके लिए अंडर प्रॉपर प्रोसीजर, तो हमें कुछ एग्जेम्पशंस दी गई है जिनके हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन, तो आपको वो एग्जेप्शंस बतानी है कि क्या क्या है। ठीक है। हमें, जैसे आपको बता दूं कि पहले RTA एक्ट 2012 था जब हमारी स्टेट थी, अब इस टाइम पे RTA एक्ट 2005 है, यानी कि हमें सेंटर का RTA एक्ट यहाँ पे लागू है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Describe in detail the procedure of reservation in government service by promotion under Jammu and Kashmir Reservation Act. ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि क्या प्रोसीजर है रिजर्वेशंस में गवर्नमेंट सर्विसेज के अंडर बाय प्रमोशन, यानी जब प्रमोशन होती है फ्रॉम लोअर टू हायर पोस्ट, तो उस टाइम पे रिजर्वेशन एक्ट के अंडर क्या प्रोसीजर दिया गया है वैकेंसीज को रिजर्व करने में फॉर रिजर्वड कैटेगरी एम्प्लॉयज। ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अभी प्रमोशन में जो है रिजर्वेशंस का ये मसला है कि मैटर सब ज्यूडिस है, तो अभी हम जो स्लॉट्स हमें, रोस्टर पॉइंट्स हमें रिजर्वड कैटेगरी एम्प्लॉयज के लिए आते हैं, फॉल होते हैं कंसिडरेशन में, उन्हें हम रिजर्व रखते हैं, उन्हें हम वैकेंट रखते हैं, उन्हें हम फिलअप नहीं करते हैं, और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को अगेंस्ट ओपन मेरिट या जो बाकी डिरिजर्वड स्लॉट्स हमारे होते हैं उनके अगेंस्ट कंसिडर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल जो ये सब ज्यूडिस मैटर है रिजर्वेशन इन प्रमोशन का,
का वो फाइनलाइज हो जाए. वंस वो फाइनलाइज हो जाए उसके आउटकम के बाद ही वो रोस्टर पॉइंट जो हमने रिजर्व रखे हुए हैं इन रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के लिए उन पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा. क्वेश्चन 4. व्हाट रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड ट्रेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस एक्ट. क्या रिस्ट्रिक्शंस दी गई है प्रॉपर्टी और ट्रेड पे अंडर द पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस एक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. फॉरेस्ट कवर ऑफ J&K, मिनरल वेल्थ ऑफ J&K, सेरिकल्चर इन J&K. क्वेश्चन 6. The Constitution of India is a unique and remarkable document having various salient features. Describe. तो यहाँ पे आपको features देने हैं Indian Constitution के. Describe in detail the right to equality as a fundamental right under the Constitution of India. Right to equality को यहाँ पे detail में आपको जो है लिखना है. आपसे पूछा गया है कि जो एक फंडामेंटल राइट है, right to equality एक फंडामेंटल राइट है under the Constitution of India. इस फंडामेंटल राइट को आप डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए. तो ये थे 7 क्वेश्चन पेपर 6 के. यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं. तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर, मैं सॉरी आज का वीडियो, लेक्चर तो आज था नहीं, आज तो बस पेपर से डिस्कस हो रहे थे, आज का वीडियो जो है वो ख़त्म करती हूँ.